क्या आपके मोबाइल की भी बैटरी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है और उसका बैकअप एकदम घटिया हो गया है? मतलब आपने अभी रिसेंटली फ़ोन ख़रीदा है और आपकी बैटरी आपको अच्छे से बैकअप नहीं दे पा रही है, बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है उसका, बहुत जल्दी वो डिक्रीज हो जा रही है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर बैटरी रिलेटेड क्वेरीज। तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिए, आपको सारी बातें एकदम डिटेल में बताई जाएंगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, उसका रामबाण इलाज बताने वाला हूँ कि अगर आपकी बैटरी यहाँ पे जल्दी से डिक्रीज हो जाती है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं, लंबे समय तक कैसे यूज़ कर पाएंगे, वो सारी बातें भी मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ। देखो यार, बैटरी से इन द सेंस कि बैटरी आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बैटरी आपकी 4 साल 5 साल पुरानी हो और उसके बाद आपको बैकअप ना मिला हो, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि वो ख़राब हो गई होगी, उसकी बैटरी लाइफ उतनी ही थी, वो उसके बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर आपने हाल ही में कोई फ़ोन लिया है, 1 साल 2 साल का हो रहा है, 1 साल 6 महीने का हो रहा है, तो इसके बाद से अगर आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो रही है तो इसका कुछ यहाँ पे लोचा हो सकता है, उसके बारे में बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो है गाइस, दिस इज वेश पांडे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रीसियस ज्ञान में। यार देखो, वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज़ यार, ताकि हम भी जल्दी से ग्रो कर पाएँ और हमारी फैमिली लार्ज हो पाए और आपके लिए ऐसी कमाल कमाल की वीडियोज़ आती रहें। तो शेयरिंग इज केयरिंग, फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना और आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आपके फ़ोन के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, उसकी बैटरी जल्दी से ख़त्म हो रही है, तो यार ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और इसका भाई, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपके फ़ोन को नज़र लग गई हो। जी हाँ, और पोस्ट करो इंस्टाग्राम पर सेल्फीज़, मना किया था फिर भी पोस्ट कर रहे हो, तो इसका एक ही उपाय है। जी हाँ, एक ही इलाज है। हर बुरी नज़र को बेअसर करने के लिए सिद्ध नजर रक्षा कवच एकमात्र उपाय है। मजाक कर रहा हूँ यार, डोंट टेक इट सीरियस, जस्ट जोकिंग। अब आते हैं पॉइंट पे। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जिनके कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है, उसके बाद हम इलाज ढूंढेंगे कि भाई इसका इलाज क्या है, उसके बाद आपको डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कॉमन केस में लोग करते हैं और उनको पता नहीं होता और वो इस प्रॉब्लम को बार बार लगातार दोहराते हैं, रैंडम वेबसाइट्स पे सर्फ करना। इसका आपके बैटरी से क्या कॉन्टैक्ट हो सकता है भाई? तो यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई रैंडम वेबसाइट पे सर्फ करते हो, रैंडम वेबसाइट इन द सेंस जब भी आप कोई पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते हो या फिर किसी, मतलब जो ऐप पेड ऐप हो उसको आप अगर फ्री में डाउनलोड करते हो, मतलब क्रैक्ड वर्जन ऐप को डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पे हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपके मोबाइल में मेलिशियस कोडिंग आ जाए, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स आ जाएँ जिसके कारण से आपका मोबाइल स्लो हो जाएगा, उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, आपके प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और आपकी बैटरी जल्दी से यहाँ पे ड्रेन हो जाएगी। तो ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बैटरी के लिए ही ख़तरनाक है, ये आपके बहुत ज़्यादा प्राइवेसी से रिलेटेड और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा यार करना आपके, मतलब मोबाइल के लिए और आपके लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, मतलब पायरेटेड वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो ये ध्यान में रख के चलें वो आपके इंडिया की वेबसाइट्स नहीं हैं, वो हैकर्स बनाते हैं और ऐसे में उनसे सेफ़ रहें, जितनी दूरी बना के रखें उतना ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो अब ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत ज़्यादा सरल है कि आपको ऐसी वेबसाइट्स पे जितना ज़्यादा हो सके उतना यहाँ से दूरी बनाए रखें, उतना कम से कम सर्फ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर आप इन वेबसाइट्स पे पहले विजिट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपने एप्लीकेशन मैनेजमेंट में सेटिंग के बाद में चले जाना है। सेटिंग्स आप पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट फाइंड करना है या ऐप मैनेजर भी आपके मोबाइल में जो भी कुछ लिखा हो उसके, उसमें आपको चले जाना है। फिर उसके बाद आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, फिर चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या फिर ओपेरा मिनी हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर कैच का ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा अगर आपको दिख रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपकी जो कैच फाइल होगी, कैच मेमोरी होगी, कुकीज़ वगैरह होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी और आपका यहाँ पे कुछ लोड कम हो जाएगा। अगली बार से जब आप क्रोम को ओपन करेंगे तो आपकी ये जो फाइल्स हैं, मतलब जो कुकीज़ वगैरह हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में ओपन नहीं होंगी,
तो जिसके कारण से आपकी बैटरी थोड़ा कम डिक्रीज होगी। अब क्रोम यार काफ़ी बैटरी डिक्रीज करता है, तो इसके लिए भी अगर आपको कोई लाइटर सॉफ्टवेयर मिले, लाइटर सॉफ्टवेयर इन द सेंस मोजिला का फायरफॉक्स, मैं यहाँ पे आपको सिंपली रिकमेंड कर दे रहा हूँ। वैसे क्रोम अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मोजिला फायरफॉक्स भी अच्छा है, तो आप में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्ट ऑफ द केस में कॉमन है और लोग इसको बार बार करते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कचरा भरे रहने की। हाँ जी हाँ, अगर आपकी आपके फ़ोन में मतलब कचरा बहुत सारा भरा है, आप उसको कभी क्लीन नहीं करते, मतलब जब तक है स्टोरेज तब तक भरते रहो कचरा, ऐसा अगर आपका फॉर्मूला है तो प्लीज़ इसको बंद कीजिए। ये आपके फ़ोन के लिए और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है, ये आपकी परफॉर्मेंस को भी स्लो कर देगा और आपकी बैटरी भी यहाँ पर जल्दी ख़त्म होगी अगर आपके फ़ोन के साथ में ऐसा कुछ है तो। यहाँ पे अगर आपके मेमोरी में मतलब बहुत सारी जंक फाइल्स होंगी, बहुत सारी कैच मेमोरी होगी, बहुत सारी यहाँ पे करप्टेड फाइल्स होंगी, तो आपका यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, आपके प्रोसेसर पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, आपकी रैम ज़्यादा डेटा को कंज्यूम करेगी, जिसके कारण से आपकी बैटरी यहाँ पे ज़्यादा चुकेगी, तो उसकी नॉर्मल सी बात है कि आप इसको ध्यान में रख के चलिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई, मान लीजिए आपके फ़ोन्स में हिडन कुछ फाइल्स होती हैं जिनको आप देख नहीं पाते और वो कहीं फाइल्स के अंदर परत बाई परत छुपी होती हैं अंदर, तो उनको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पिछली एक मैंने वीडियो बनाई हुई है 7 ऐप्स विच विल चेंज योर लाइफ स्टाइल, उसको आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब को अपडेट नहीं किया है तो अच्छी बात है, आई बटन इधर ही मिल जाएगा, पर अगर आपने YouTube को अपडेट कर लिया है तो 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप आई बटन को फाइंड कर सकते हैं। ये यार उन्होंने बहुत मतलब सब उलट पुलट कर दिया है, समझ में ही नहीं आता। तो वहाँ से इस ऐप के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ गूगल के फाइल्स की। ये जो ऐप है 6 MB का ऐप है, बहुत ज़्यादा कमाल का ऐप है और गूगल की तरफ से ऑफिशियली आता है, तो आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना है। आप इस ऐप की मदद से जंक फाइल्स को और डुप्लीकेट फाइल्स को या फिर आपके फ़ोन में कुछ भी आपको क्लीन करना है तो आप उसको मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद से आपका फ़ोन फास्टली वर्क करेगा, इसके बाद से आपकी बैटरी भी कम यहाँ पे खर्च होने वाली है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ऋषि संस्थान का सिद्ध नजर रक्षा कवच। अरे हर बार थोड़ी यही होता है क्या यार तुम भी। हाँ तो थर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे रैंडम चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करना, रैंडम चार्जर से, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आपके पास चार्जर है फिर भी अगर आप पीसी या फिर डेस्कटॉप से अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, वो यूएसबी से ना, वो अगर वैसा करते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है, आपका फ़ोन जल्दी से यहाँ पे हीट हो जाएगा और आपके फ़ोन की बैटरी यहाँ पे जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें प्लीज़। तो हाँ, अगर आप रैंडम चार्जर्स को अपने फ़ोन में लगाएंगे तो इससे क्या ही हो जाएगा यार, आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आपका फ़ोन बहुत जल्दी ड्रेन करेगा, उसकी बैटरी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक मोबाइल के हिसाब से उसकी अलग अलग यहाँ पे चार्जर डिफाइन किए जाते हैं, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है पावर को। कोई कोई चार्जर्स होते हैं जो मतलब उनकी पावर अलग लेवल की होती है, उनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस अलग लेवल का होता है, तो ऐसे में हर एक मोबाइल के लिए हर एक अलग अलग स्पेसिफाइड चार्जर आते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने ही चार्जर से फ़ोन को चार्ज करें और उसी में संतुष्ट रहें, तभी आपको बेहतर बैटरी लाइफ और बेहतर यहाँ पे बैकअप मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ जो मोस्ट ऑफ द कॉमन केस में लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है बैटरी ओवरचार्जिंग। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर उनका मोबाइल 100% हो जाता है फिर भी वो उसको 2-3% मतलब चार्ज होने के लिए और लगा के रखते हैं। अब 2-3% यार वो आपको थोड़ी दिख रहा है कि फ़ोन 100% चार्ज हो गया, वो 101 होगा, 102 होगा, 103, ऐसा तो होने नहीं वाला, मतलब वो फुल हो गया है, उसको आपको निकालना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग उसको ओवर चार्ज करते हैं जिसके कारण से उनकी बैटरी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ये आपकी बैटरी को जल्दी ड्रेन होने पे मजबूर करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 2-3% यार उसमें जगह रहने ही दे, 95% तक ही चार्ज करें, तो उससे आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपको समस्याएँ नहीं आएंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा हाजमा अच्छे से नहीं हो पाता है, हाँ वही बात इसके मोबाइल पर भी लागू होती है, तो इसीलिए बैटरी को कम से कम जितना आपका काम चल जाए 92-95 चार्ज करें, उसके बाद से थोड़ा सा उसका पेट खाली रहने दें ताकि उसका हाजमा सही से हो पाए।
इसके बाद अगली प्रॉब्लम की बात करूं तो वो लोग इग्नोर ही कर देते हैं भैया, उनको मतलब इससे मतलब ही नहीं पड़ता, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल का डेटा 24 घंटे के लिए ऑन रखते हैं, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा बैटरी लॉस होता है। क्यों होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। गूगल, जैसा कि आप मैंने बताया ही है पिछली वीडियो में कि गूगल आपको ट्रैक करता रहता है, वो आपकी लोकेशन को लगातार सेंड करता रहता है, आपको जो भी कुछ करते हो उसको लगातार अपडेट करता रहता है। तो यहाँ पे ऐसे में आपके मोबाइल से और आप गूगल के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बना रहता है, और जिसके कारण से आपकी बैटरी लगातार ख़त्म होती रहती है। तो इस कारण से इसको मतलब जितना ज़्यादा हो सके डेटा को कम ही चालू रखें, काम हो जाए तो उसको बंद कर दिया करें। एक टैप में क्या जाता है, वैसे एक टैप में कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो ना, लाइक भी कर दो। हाँ, तो इसको आप करेंगे तो आपकी बैटरी अच्छी रहेगी और उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। बेसिकली अगर यहाँ पे आप लंबे समय तक अपने नेट को चालू रखेंगे तो आपका फ़ोन हीट हो जाएगा और आपके प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसको बंद करें और जब ज़रूरत हो तभी उसको चालू करें, ठीक है, समझ गए। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रो टिप्स बता देता हूँ जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वो प्रो टिप्स हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मतलब इंटरनेट से दूरी बना के रखें। दूरी इन द सेंस कि आप अगर आपको काम नहीं है तो आप नेट को बंद करके रखें, गूगल की लोकेशन सर्विस को ऑफ करके रखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी लॉस करती है। उसके बाद से यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी अपने मोबाइल को चालू करें तो ये देख लें कि आपके बैकग्राउंड ऐप्स कितने रन हो रहे हैं, उनको आप क्लोज़ कर दें। अगर आपको यहाँ से नहीं क्लोज़ करना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा वर्कफुल है। तो आपको सेटिंग में चले जाना है, बैटरी के ऑप्शन में चले जाना है, उसके बाद अदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि कौन सा ऐप आपकी कितनी बैटरी को ड्रेन करता है, उसके बाद से आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको मतलब टर्न ऑफ इन बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको ऑन करना है, मतलब जो भी आपके मोबाइल में हो उसको टैप कर देना है। उसके बाद से आपका जो ये ऐप है, जैसे ही आप उसको क्लोज़ करेंगे वो बैकग्राउंड से क्लोज़ हो जाएगा और आपकी बैटरी को नहीं खाएगा। तो ये आप टिप ध्यान में रखें। अगली जो टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जब भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पे रखें तो ये बात आप ध्यान में रखें कि वो आपका मोबाइल या तो आप स्विच ऑफ करके लगाएं या फिर मतलब फ्लाइट मोड में करके लगाएं, तो इससे आपकी बैटरी फास्ट चार्ज भी होगी और उसका सर्वर से कनेक्शन टूट जाएगा तो आपकी बैटरी बैकअप भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगी। तो ये आप टिप यहाँ पे मतलब ध्यान से समझ लें और इसको अप्लाई करके देखें, आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही थी आज की वीडियो, एक मिनट फोन आएगा, हेलो। वो आप ही हो, हे भगवान, वो आप ही हो यार जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों, क्या कमी रह गई आखिर मेरे वीडियोस में, क्यों नहीं किया सब्सक्राइब? कर लो यार, छोटे भाई का चैनल है, प्लीज कर लो, शेयर करो वीडियोस को ताकि आपको कमाल की वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। खैर एक्टिंग बकवास थी ना, ओके इग्नोर इट। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय। बस खुशियाँ फैलाइए, इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।